नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन पाटीदार हूँ। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। लगातार अफीम बेटकों को लेकर खबरें निकल के सामने आ रही थी, उसके बाद माना जा रहा था कभी भी अफीम पॉलिसी का ऐलान हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से अब जो खबर निकल के सामने आ रही है कि लगातार जिस तरीके से अफीम पॉलिसी में देरी हो रही, उसे लेकर सांसद लगातार दिल्ली के संपर्क में है। और एक बार फिर जो है दिल्ली गए थे, वहां पर तमाम जो नारकोटिक्स विभाग से अधिकारी है, जुड़े हुए अधिकारी है, और साथ ही बात करें वित्त मंत्री से मुलाकात की थी। उसके बाद माना जा रहा है कि आज सोमवार है और आज अफीम पॉलिसी का ऐलान हो सकता है। साथ ही बात करें तो जो सूत्रों के हवाले से, जो राजनीति सूत्रों के हवाले से खबरें निकल के आ रही है, साथ ही बात करें तो दिल्ली से सूत्रों के हवाले से खबर निकल के सामने आ रही है कि आज लगभग माना जा रहा है कि अफीम पॉलिसी का आज ऐलान हो जाएगा, देर रात तक जो है अफीम पॉलिसी डिक्लेयर हो जाएगी। इस तरह की जानकारी निकल के सामने आ रही है। जो अब हमने पूछताछ करी दिल्ली और जब हमने राजनीतिक सूत्रों से पूछताछ करी, तो ऐसा माना जा रहा है कि उनका भी यही कहना है कि आज पॉलिसी जारी कर दी जाएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में लगातार जिस तरीके से सरकारी छुट्टियां होनी है, ऐसे में बात करें तो आज महत्वपूर्ण दिन है और आज पॉलिसी का ऐलान हो सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। साथ ही दिन भर हम आपको मां कवरेज बताएंगे, आखिर अफीम पॉलिसी पर इतना वक्त क्यों लगा, किस तरीके से नेता और किसानों का किस तरह का कहना है, क्योंकि बहुत देरी जो है अफीम पॉलिसी को लेकर, डिक्लेयर को लेकर हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इस तरह की जानकारी के लिए बने रहना साथ। जय हिंद, जय भारत।